आप सभी को मेरा नमस्कार। अन्वेषण आईएएस में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्राइसिस चल रही है, और बांग्लादेश के क्राइसिस के बाद जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दी है, उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबेल लॉरेट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं इन इकोनॉमिक्स, उनको इंटरिम यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी सौंपा गया है। और उनके कंधे पे ये भार है कि एक पूरी तरह से एक सरकार बनाई जाएगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मोहम्मद यूनुस कौन है और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर उनकी रोल क्या है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री हैं एंड ग्रामीण बैंक की फाउंडर यानी कि प्रतिष्ठाता भी रहे हैं, जो कि 1983 में उन्होंने इस ग्रामीण बैंक का प्रतिष्ठा किया था। और ये ग्रामीण बैंक खास करके वो बैंक है जो कि माइक्रो क्रेडिट यानी कि छोटे छोटे लेवल पे क्रेडिट यानी कि जो ऋण है वो देती है, खास करके जो छोटे और लघु उद्योग हैं, जैसे विमेन ग्रुप, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, यानी कि स्वयं सहायक समूह जो है, उस तरह से जो महिलाओं के लिए, महिला जो उद्योग शुरू कर रहे हैं या खास करके जिसको आप लोग बोल रहे हैं लघु और छोटे उद्योग, उसमें ये क्रेडिट देने की शुरुआत की थी ग्रामीण बैंक। और इसको प्रतिष्ठा किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा 1983 में। उसके साथ साथ उसी काम के लिए यानी कि जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के अंदर ये ग्रामीण बैंक की रोल को देखते हुए, अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रामीण बैंक की जिस तरह से क्रेडिट इंजेक्शन हुई, लोगों के पास पैसे गया, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, इसी वजह से नोबेल उनको प्राइज दिया गया, नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। और ये 2006 को उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। प्रोफेसर यूनुस जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो पीएचडी उन्होंने किया है इकोनॉमिक्स में, और नोबेल पुरस्कार के बाद उन्होंने पॉवर्टी को लेके काफी काम भी किया है, और इसमें ग्रामीण बैंक का भी रोल सबसे महत्वपूर्ण रहा है। उसके साथ साथ जैसे एक मूवी रिलीज की गई थी बांग्लादेश के अंदर, जिसका नाम था कॉटन माइक्रो डेप्ट। ये कॉटन माइक्रो डेप्ट मोहम्मद यूनुस को एक कंट्रोवर्सी के अंदर ले आता है। इसमें ये दिखाया जाता है कि जो फंडिंग यानी कि यूरोप से, खास करके नॉर्वे से जो फंडिंग आई थी, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया गया था मोहम्मद यूनुस जी के द्वारा, यानी कि उसमें करप्शन का चार्जेस लगाया गया था। और मोहम्मद यूनुस उसी ग्रामीण बैंक के लिए कंट्रोवर्सी में आ गए थे। उसी ग्रामीण बैंक के लिए लगभग पूरी दुनिया में ये न्यूज़ दिखाई पड़ रहा था। ऑल्दो मोहम्मद यूनुस का ये कहना था ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड आरोप है जो उनके ऊपर लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ ये व्यक्तित्व यानी कि दोबारा, ये तो थी पहली बार वो जब कंट्रोवर्सी में रहे थे, दोबारा वो फिर से कंट्रोवर्सी में आ गए, जो कि एक कोर्ट जो बांग्लादेश के अंदर थी, उन्होंने लगभग 6 महीने की सजा उनको सुनाई थी, यानी कि 6 महीने की जेल की सजा उनको सुनाई थी। और उसके कारण क्या था, मोहम्मद यूनुस और उनके 3 साथी एक ग्रामीण टेलीकॉम करके एक कंपनी बनाए थे ग्रामीण बैंक के बाद, उन्होंने शुरू किया था ग्रामीण टेलीकॉम, और उसके जरिए उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि इन्होंने जो श्रम कानून है यानी कि लेबर लॉज है, उसको उन्होंने सही से फॉलो नहीं किया, यानी कि श्रम कानून को वायोलेट करने के आरोप में उनको जेल की सजा सुनाई गई थी लगभग 6 महीने के लिए। ऑल्दो इसको भी वो खंडन करते हैं, और उनका यही कहना था ये भी एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी। बट हमें ये देखने को मिलती है मोहम्मद यूनुस, जो कि एक नोबेल लॉरेट हैं इन इन पीस पीस में
उनको मिली थी, शांति पुरस्कार मिली थी। उसके साथ साथ ग्रामीण बैंक के प्रतिष्ठाता भी हैं और लगभग 2 बार वो इस कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं, एक तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के लिए, दूसरा जो था लेबर लॉस के वायोलेशन के लिए, और अभी खास करके उनको इंटरिम गवर्नमेंट की इंचार्ज बना दिया गया है, मुखिया बना दिया गया है, और उनके अध्यक्षता में, उनकी देखरेख में एक पूर्ण सरकार जो है हम बांग्लादेश में बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज थी ये वीडियो मोहम्मद यूनिस जी के बारे में, जो कि अभी अखबार में वो छाए हुए हैं बांग्लादेश की क्राइसिस के कारण। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप जुड़िए हमारे साथ अन्वेषण आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।